तो आज की जो रेसिपी है बॉकफुल का पकौड़ा जो बनाने में बहुत आसानी उतना ही खाने में स्वादिष्ट और फ्लेवरफुल होता है तो ये बॉकफुल जो है इसका बीज का जो डंटल जैसा है इसको हम लोग तोड़ के निकाल देना है सारे का एक एक करके निकाल देंगे थोड़ा सा ये क्योंकि कड़वा होता है ये अगर निकाल देंगे तो अच्छी तरह से बन जाएगा और खाने में ही उतना स्वाद होगा तो सारे एक एक करके हमने ऐसे ही निकाल दिया है तो देखिए इसको आसानी से तोड़ सकते हैं या तो आप चाहे तो चाकू के का मदद से काट भी सकते हैं तो मैंने सारे इसको निकाल के ले लिया है अब इसको हम लोग थोड़ा सा पानी से धो देंगे अच्छी तरह से ताकि इसका जो भी हल्का फुल्का जो गंदगी रहेगा वो निकल जाए तो सारे तोड़ के ले लिया हूँ अब मसाले तैयार कर लेते हैं तो मैंने चावल कच्चा चावल यहाँ पे तीन से चार घंटा चार घंटा के लिए भिगो के रख दिया था अब इसको हम लोग पेस्ट बनाएंगे उसमें हम लोग मिलाएंगे हरा मिर्चा आठ से दस फिर लहसुन का कलिया आठ से दस फिर इसमें थोड़ा सा आधा इंच हम लोग अदरक डाल देंगे और नमक स्वाद अनुसार डाल के इसको हम लोग एक पतला सा पेस्ट बना लेंगे बाकी इसका हम पेस्ट बना लिए हैं अब इसमें हम लोग मिश्रण बनाएंगे तो मैं यहाँ पे एक कटोरी बेसन लिया है फिर इसमें काला जीरा डाल देंगे आधा चम्मच आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है आधा चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच मिर्चा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक फिर इसमें हम लोग जो पेस्ट बना के रखे थे चावल का वो हम लोग इसमें मिला देंगे और मिला के एक मोटा सा हम लोग बैटर तैयार करेंगे कई तो जगह बगफूल अगस्ती और सेसबानिया नाम से भी जाना जाता है ये सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल असम, उड़ीसा और झारखंड में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा आपको पकौड़ा इसी स्टेट में बनता है और उतना ही खाने में स्वादिष्ट होता है तो मैं यहाँ पे मसाला तैयार कर लिया हूँ अब इसको हम लोग मसाले में डीप करके और तेल गरम करने के लिए मैंने पहले से रख दिया था और ये डायरेक्टली हम लोग तेल में एक एक करके डाल देंगे ऐसे ही फ्राई होने के लिए तो जब भी आप पकौड़ा बनाएं, हमेशा स्टोव को गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें तो आपको बॉकफूल का पकौड़ा कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप किस चीज़ से खाना पसंद करते हैं दाल चावल के साथ या तो आप इवनिंग स्नैक के साथ खाना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बताएं पर मैंने बॉकफुल पहले बार मैंने दोस्त के घर पे खाया था और ये मुझे इतना स्वादिष्ट लगा दाल चावल के साथ मैंने खाया था तो मुझे तो दाल चावल के साथ ये पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है तो एक साइड हो गया है बाकी हम लोग दोनों साइड ऐसे ही अल्टी पल्टी करके और हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पका लेंगे तो देखिए कितनी अच्छी तरह से सेप आया है एकदम फ्लावर का और देखने में उतने ही स्वादिष्ट और सुंदर लग रहा है देखने में तो आप देख सकते हैं इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत जल्दी झटपट बनकर तैयार होता है तो कभी भी मेहमान घर पे आए तो ये अगर फूल है तो आप उन्हें ये पकोड़ा रेसिपी ज़रूर बनाकर खिला सकते हैं मेहमान भी खुश हो जाएंगे इसका स्वाद चख तो बाक़ी के जो भी पकौड़े बचे हैं हम ऐसे ही टाल लेंगे तो अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं जी आपको ये रेसिपी कैसा लगा और आप ये रेसिपी किस चीज़ से खाना पसंद करते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में